ट्रांस इंस्टीट्यूट ऑनलाइन ज्ञान में आपका स्वागत है। हम ओमपति सर आपको पढ़ा रहे हैं टेली क्लास। टेली क्लास में आप लोग पढ़ रहे हैं टैक्स, टैक्स में आप लोग पढ़ रहे हैं जीएसटी। जीएसटी में आप लोग जो है कैसे सी जीएसटी और एस जीएसटी निकलेगा, जिसको आपने पिछले वीडियो में देखा था। इस वीडियो में आप लोग जानेंगे कैसे आई जीएसटी निकलता है। सी जीएसटी एस जीएसटी जो होता है वो एक स्टेट के अंदर खरीदने बेचने पर लगता है। अगर हम एक ही स्टेट के अंदर खरीद बेच रहे तो लगता है सी जी एस टी और एस जी एस टी, जिसको बोलते हैं इंट्रा स्टेट। अगर हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में खरीद के बेचते हैं तो उसको बोलते हैं इंटर स्टेट। वही आज हम लोग जानेंगे कि इंटर स्टेट सेल्स, इंटर स्टेट गुड्स सर्विस टैक्स क्या होता है, यानी क्या है इंटर स्टेट गुड्स एस जी एस टी। तो हमारा सिस्टम रहेगा कि हम अपना कोई सामान जो है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बेचेंगे तो आप निकलेगा आई जी एस टी। तो आई जी एस टी कैसे निकलता है ये हम लोग जानेंगे। तो यहाँ पे हमारा एग्जांपल है मोहन एंड सन्स कंपनी प्रकरण में अकबर पूर्वकनगर यूपी। हमारा जो कंपनी का नाम है उसका नाम मोहन एंड सन्स कंपनी, वो अकबरपुर अम्बेडकरनगर यूपी का है। हम उसी कंपनी में काम करते हैं। हमने जो है परचेस फॉलोइंग आइटम, हमने कुछ सामान बेचा है, हमने कुछ सामान खरीदा है। कहाँ से खरीदा है? फ्रॉम रमेश इंटरप्राइज राजस्थान। हम हमारे कंपनी का नाम जो है मोहन एंड सन्स कंपनी है। हम आपको यूपी से हैं, हमारा स्टेट यूपी है। हम यहीं से जो है कोई सामान खरीद के लेके आए हैं राजस्थान से। हम यहाँ पे हमारा दुकान है यूपी में, हमने जो है कहीं अर्थात राजस्थान से जो है सामान खरीद लेके आए हैं। मतलब हमारा स्टेट यूपी है और हम सामान कहाँ से लाए हैं? राजस्थान से। अर्थात हमारा स्टेट अलग है, उसका स्टेट अलग है। रमेश इंटरप्राइज जो है और राजस्थान से वही सब सामान लेके आए हैं। अभी इसमें निकलेगा आई जी एस टी। तो हमारे यहाँ पे कॉफ़ी है 46 पीस, 20 रुपये के हिसाब से पैकेट का है, 5% निकल लगेगा इस पर आई जी एस टी। राउंड कैप है, जैकेट है, मेंस लग्जरी ड्रिंक है, ये सब हमको जो है खरीद के लेके आना है राजस्थान से। दूसरा एग्जाम्पल हमारा है मोहन एंड सन्स कंपनी बेकन में अकबरपुर अम्बेडकर नगर यूपी। हमारी ही कंपनी है। हम जो है सामान बेच रहे हैं सोल्ड फॉलोइंग आइटम टू अजय कुमार दिल्ली। ये जो है दिल्ली से है, अर्थात हम जो है अकबरपुर से कोई सामान जो है बेचने का आप दिल्ली बेच रहे हैं। ये बिलोंग है दिल्ली से, अजय कुमार जो है दिल्ली से बिलोंग है, उसको बेच रहे हैं। ये सामान हमारा है तो हम अपने यूपी से बेचेंगे दिल्ली में सामान, तो ये भी अलग स्टेट हो जाएगा, इससे भी आई जी एस टी निकलेगा। सामान वही है हमारा, कम मात्रा में बेच रहे हैं, खरीदने ज़्यादा मात्रा में रेट बढ़ा के बेचेंगे। अब ये जो है प्रोसेस है कैसे कैसे करना है, तो पहला प्रोसेस ये गेटवे ऑफ टैली में अप्लाई करेंगे, उसके बाद इनेबल जी एस टी। अच्छा, तो जी एस टी को इनेबल करना आप लोग को पिछले वीडियो में बताए हैं, वहाँ से आप लोग देख लें कैसे इनेबल करना है, हमने इसमें 60 में लिखा दिए हैं। फिर उसके बाद अकाउंट में आकर के लेजर बनाएंगे, लेजर बनेगा परचेज का जो आप लोग पिछले वीडियो में बना चुके हैं सेम वैसे बनेगा, और सेल का लेजर बनेगा सेम वैसे बनेगा, एप्लीकेबल करके गुड्स लेकर के। फिर रमेश का बना लेंगे सनी चैप्टर में, राजस्थान यहाँ ध्यान देना है, एड्रेस को ध्यान देना है, एड्रेस कंट्री स्टेट, कंट्री इंडिया ही रहेगा, स्टेट आपको ध्यान देना है राजस्थान, ये ध्यान देना है। और उसके बाद अगला लेजर बनाएंगे अजय कुमार का सनी चैप्टर में, इसका भी एड्रेस ध्यान देंगे, एड्रेस में इसका हो जाएगा इंडिया, इंडिया एक बार इसको ले लेंगे हम दिल्ली, ध्यान दे रहे हैं दिल्ली हो जाएगी इसमें। अगला पहले लेजर बना लेंगे आई जी एस टी का ड्यूटी टैक्सेस में, जी एस टी ले लेंगे यहाँ पे, यहाँ टैक्स में इंटीग्रेटेड टैक्स ले लेंगे, यहाँ 0 दे देंगे क्योंकि कई रेट है इसलिए 0 रखेंगे। एस बी आई बना लेंगे, फिर आएंगे इन्वेंटरी को में स्टॉक ग्रुप बना लेंगे, तो आप जान ही रहे हैं कॉफी का बन जाएगा,
कैब का बन जाएगा, टिकट का बन जाएगा और ड्रिंक का बन जाएगा, ये बन जाएगा। फिर यूनिट आप मेजर बना लेंगे, सिंपल में पैकेट का बना लेंगे जो आप पिछले वीडियो में जैसे किए सेम वैसे है। अगला यूनिट बना लेंगे पीस का, पीसेस में सेम वैसे सेम है वो भी। स्टॉक आइटम में ध्यान देना है, नेम में कॉफ़ी, अंडर में कॉफ़ी, यूनिट में पी के टी, जीएसटी एप्लीकेबल एप्लीकेबल, जीएसटी टेल यस। यस करने के बाद ये आपका बॉक्स आएगा सेम उसी प्रकार से। डिस्क्रिप्शन में कॉफ़ी एच एस एन नंबर डाल देंगे, अन वैल्यू टैक्सेबल। डेट में आप डालेंगे 5 लिख के करेंगे डायरेक्ट बढ़ जाएगा। ध्यान देना ये लिस्ट जो है सिस्टम जो है इसका लिस्ट का सिस्टम है ये सेम वैसे होता है। इस लिस्ट का सिस्टम जो सेम वैसे रहेगा जैसे आप पिछले वीडियो में किए थे वैसे आप कर लेंगे। तो इसमें हमने जो है एक आइटम का बनवाया हुआ है कॉफ़ी का, ऐसे ही आप राउंड कैप का और जो आपका सामान है लग्जरी का, ड्रिंक का और जैकेट का सब कैसे बना लेंगे। ये हमने कॉफ़ी का बनवा दिया है, बाकी आपका जैकेट का बना लेंगे, राउंड कैप का बना लेंगे, लग्जरी का बना लेंगे, ड्रिंक का, लग्जरी ड्रिंक का, ऐसे सब बना लेंगे। सब में बस परसेंट का अंतर है, बाकी आप पिछले वीडियो में कर चुके हैं सेम वैसे, इसमें आसार में लिखा दिए हैं। उसके बाद सब हो जाएगा तो अगला नंबर पे आ जाएंगे अकाउंटिंग क्वेश्चन में। आप पिछले वीडियो में एंट्री जैसे किए थे परचेज और सेल में वैसे एंट्री कर लेंगे, जो आपका जी एस टी निकल जाएगा तो आप पेमेंट में जो है उसको पेमेंट कर देंगे जी एस टी। बस इतना करना, बाकी आप फिट करना सब जान रहे हैं, इसको हम लोग कर लेंगे। तो ये आपका जी एस टी का प्रोसेस है आई जी एस टी का। ये आप लोग आई जी एस टी जो है एंट्री कर लेंगे आप लोग टैली में, इसको काफ़ी नोट कर लेंगे। बाकी अगले वीडियो में आपको पढ़कर दिखा देंगे, आपको समझ में आया कि नहीं आई जी एस टी, आप लोग कमेंट में जरूर लिखिए। अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, नए नए वीडियो जानकारी के हमारे चैनल जुड़े रहिए। जय हिंद जय भारत।